तो ये है भैया ओम श्री ओम एंड समार रामप्रीत हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में है। और मैं अभी 5-6 दिन से एडमिट अपने सिस्टर को किया हूँ। हालांकि मैं अपने गांव में था तो नहीं बीमारी संभाल पाया। वहाँ पे काफ़ी पैसा मैंने 1.5 लाख प्लस लगा दिया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जवाब दे दिए, तो मैंने यहाँ पे लखनऊ लेकर आया हूँ। और 1 जनवरी को ऑपरेशन हुआ है और ICU में अभी एडमिट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखिए सच्चाई आज की क्या है कि मेरे ही पैसे, जो कि मेरे मामा है, मेरे ही पैसे, मामा मतलब 1 लाख रुपये, उनको 1,05,000 रुपये दिए थे 2-3 महीना पहले कि चलो ले लो, गाड़ी लिए हो तो अपना MI भर लेना, अपना धंधा कर लेना, अपना जो भी करना, और मेरा पैसा वापस दे देना। बोले कि ठीक है। मैं नहीं दे रहा था, उनके सब जीजा उजा उनके ही रिलेशन वाले बोल रहे थे कि मत दो, मैं कुछ सब देखते हुए मैं बोला छोड़ो जाने दो, अभी क्या बात है, दे दिया मैं। और देने के बाद से ये बात हुई कि आज मतलब समझो कि मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूँ तो अपना ही पैसा देने के लिए, मेरा ही पैसा देने के लिए राजी नहीं हो, डायरेक्ट फ़ोन भी नहीं उठा रहे लोग और फ़ोन काट दे रहे हैं। मेरा पैसा लेके क्या किया नहीं किया उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरा पैसा वापिस चाहिए बस। चाहे मामा हो चाहे कोई भी हो, मेरे को रिलेशन नहीं चलाना है, चलाना है वो अलग की बात है, मेरे को चलाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग अपना देखो, मैं अकेला झेल लूँगा ठीक है, लेकिन मेरा पैसा वापस चाहिए। इस पैसे के लिए मैं किस हद तक गुजर जाऊँगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर चलो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी ICU में एडमिट है, ठीक है। अभी हो गया 5-6 दिन, रोज़ का 5-6 हज़ार तो जा ही रहा है, समझो प्लस जा रहा है, कोई बात नहीं है। मेरे को आप लोग से 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस है, आप लोग वापस कर दो बस, ठीक है। मैं हाथ जोड़ से आपने से निवेदन करता हूँ कि आप लोग दे दो, नहीं तो किस हद तक गुजर जाऊँगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। वैसे भी मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक बस।